750 रुपये की टिकट में गोवा आया और गोवा की है ना पूरी रिव्यू डाल रहा हूँ, तो कमाल की बात है ना, 750 रुपये ने गोवा की है ना गोवा की पोल खोल दिया। आगे देखते हैं क्या क्या करने वाला हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। ये मैं चला आप लोगों के सामने, ये लो और ये बोट, ये मैं चला आकाश यात्रा पे और ये देखो ये अपना पूरा बोट। मैं बोट पे हूँ, बोट सामने बोट जा रही है और आपके सामने मैं अकेला यहाँ पे उड़ान भर रहा हूँ और ये मज़ा आ रहा है मुझे चारों तरफ से। और ये भाई लोग है ना, सब कोई है ना, आप देख रहे हो सब कोई नीचे और मेरा ये पैर और ये मैं तो और ये अंजुना बीच पे रॉयल इनफील्ड का एक प्रोग्राम भी है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, नाम इसलिए नहीं लूँगा कौन सा मैं पैड प्रमोशन पे आया हुआ हूँ, तो आप लोग देख के खुद ही समझ जाओगे। तो यहाँ के बारे में भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत क्या क्या होता है और क्या नहीं। और ये देखो थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ करते हुए बाइक रेसिंग का, जो ऑफ रोडर बाइक है हिमालयन हो गया, तो उसका है ना थोड़ा देखो आप यहाँ पे। तो जैसा जैसा जो है अब ये सामने से आएंगे, कौन कैसा क्या जीता ये तो इतनी डीपली में हम जाएंगे नहीं, इससे आगे का देखते हैं अंजुना बीच वगैरह जाएंगे और देखते हैं क्या क्या होता है वहाँ पे और क्या क्या यहाँ पे है। और ये सभी लोग अपना फ़ोटो ढूंढते हुए, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो खींचने के बाद में 1 से 2 घंटे बाद में यहाँ पर है ना आपको आपका फ़ोटो मिल जाएगा, बट ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि मैंने भी खिंचवाया था बट मुझे मिला नहीं। मैं 2 घंटे क्या 4 घंटे बाद भी आया, ये तीसरा चौथा बार आया। लेकिन यहाँ की एक चीज़ खासियत मानूंगा कि आपको बाइक से रिलेटेड है ना हर चीज़ मिल जाएगा। ये देखो ये भाई भी है ना फ़ोटो अपना ढूंढते हुए, अरे अभी तक कईयों को मिला कईयों को नहीं मिला ऐसा तो है नहीं, लेकिन बट देखा जाए तो 75% को फ़ोटो नहीं मिल पाता है, 25% का बाई लक फ़ोटो यहाँ पे मिल जाए। और वो जो आपके इसके टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ है भाई के, इसी में आया हुआ हूँ, तो फिर देखते हैं आगे। और ये देखो इवेंट वगैरह सब कुछ है ना किया हुआ है, रात को है ना कुछ ज़्यादा अच्छा खासा प्रोग्राम होता है, हम भी किसी स्टॉल पे जाएंगे और देखते हैं हमें क्या पसंद आता है ख़रीदने में। तो गोवा का तो ये है और ये हम भी जाके देखते हैं एक बार। एक टी शर्ट मैंने इनसे परचेज किया और मेरे साइज़ का मिल नहीं रहा था, फिर इन्होंने कहीं से अरेंज करवाया। और यहाँ पे देख सकते हो आपके है ना मतलब सभी तरीके के बाइक से रिलेटेड टी शर्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो कभी आओ तो ये भी आपको परचेज करने के लिए और प्रिंट भी करके दे देते हैं, तो आप लोग देख लेना, परचेज ज़रूर करके जाना एक बार तो अच्छा लगेगा। और ये यहाँ पे भाई आप इस इवेंट के आसपास में आ रहे हो तो आपको गोवा में कहीं और घूमने की ज़रूरत ही नहीं है, सब सारी चीज़ एक ही जगह मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ का है ना मैंने कुछ ऐसा ही देखा है सब कुछ कि आप देखोगे ना तो एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाएगा आपके, मतलब टाइम मतलब इंजॉय से लेके सारे इवेंट वगैरह सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा। तो खैर कोई नहीं, आगे चलते देखते हैं। मैं कह रहा था ना, और यहीं पास में एक जनता गैराज है, तो कभी नाइट लाइफ में जाओगे तो रॉयल इनफील्ड का ही जनता गैराज है, तो उसमें जाके देख सकते हो कि नाइट का काफ़ी कुछ अच्छा माहौल है। और थोड़े होटल वगैरह के बारे में भी मैं उसी वहीं पे बताऊंगा नाइट लाइफ में ही। तब मैं होटल की बात कर रहा था आप लोगों से, तो होटल आपको अप्रोक्सीमेटली 1000 से 1500 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा अंजुना बीच के आसपास में। और आप है ना एक दिन ओल्ड गोवा रहो, एक दिन है ना मतलब दोनों साइड रहो, और वहाँ पे ही यहाँ पे एक ऑटो चाहे सॉरी
एक्टिवा रेंट पे ले लो, 500-600 रुपए पर डे के हिसाब से लगेगा, और हो सकता है 4 लीटर पेट्रोल में आप पूरा गोवा नाप लो। तो मेरे राय में तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना बीच के आसपास में ही हैं, तो 10 से 15 किलोमीटर के डायरेक्शन में आप सारे जगह घूम सकते हो। एनीवे फिर आगे वो होता है, और अब मैं भी इंजॉय करता हूँ और फिर मिलता हूँ आगे आप लोगों से। अब मैं निकल चुका हूँ नाइट लाइफ के तरफ, और नाइट लाइफ में देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। और यहाँ का बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे म्यूट करना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि है ना कॉपीराइट का इशू आएगा मेरे को हमेशा, और यूट्यूब वैसे भी है ना कौन सा कमा के दे रही है। तो खैर एनीवे, तो ये सामने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, कई सिंगर आए हुए हैं, कई जगह प्रोग्राम है, कई जगह गिटार वगैरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो देख के नाइट लाइफ है ना अच्छा लग रहा है। तो आपको भी कभी ऐसा कोई लाइफ में मौका मिले तो ज़रूर आना। और इस साल नवंबर में फिर से है ये, इस इवेंट में आप आ सकते हो, और इसका कुछ रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह वही कोई 2500 रुपये के आसपास, 2500 के आसपास में है, तो वो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके है ना करवा सकते हो रॉयल इनफील्ड वाले के। और मैं जो देखा यहाँ पे, जो एक ही कल्चर है, खाओ पियो और भूल जाओ, ये वाला है ना कंडीशन यहाँ पे चलता है। मैंने इससे पहले आपको बहुत कुछ पीछे दिखाया था जहाँ पे मैं कुछ बोला नहीं, देखो माहौल समझो। और ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो मेरे लेफ्ट में इन सभी में, तो यहाँ पे हर कस्टम बाइक वगैरह सारे रखे हुए हैं, तो ये कस्टम बाइक वगैरह है ना, जो कस्टम एलिमेंट्स ये सब कुछ है ना, सब कस्टमाइज बाइकों को ये दिखाया गया है कि रॉयल इनफील्ड का कितना कस्टमाइज बाइक है। तो ये सब देखना हो बाइक के, बाइक लवर हो तो आप आ सकते हो और देख सकते हो यहाँ पे। और ये भाई राया नाइट का है, अंदर का है, और यहाँ पे थोड़ा म्यूजिकल प्रोग्राम चल रहा है, और यहाँ पे जो कहते हैं ना कि बिंदास बेवड़े, तो बिंदास बेवड़े यहीं पे मिलेंगे, तो कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, तो रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, तो मतलब इसका मतलब यह है कि यहाँ पे चल रहा है पार्टी, सामने म्यूजिक, और फिर इसी के जस्ट मेरे पीछे जो काउंटर था वहाँ पे इन लोगों को अल्कोहल वगैरह सब कुछ, मतलब अल्कोहल में वही बियर वगैरह मिल रहा है, तो लोग जो कंज्यूम करते हैं इस चीज़ को वो कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब जो पीते हैं वो ले पी रहे हैं। और ये देखो फुल क्राउड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो हर किसी के हाथों में सेम चीज़ है, तो खैर नाम क्या लेना। और ये देखो आप, तो ये हमारा गोवा का ट्रिप है, मैं जो गोवा में जो एंजॉय किया बीच से ज़्यादा इस जगह पे। और आप लोग ये देखो रात में, रात का टाइम म्यूजिक चल रहा है, यहाँ का म्यूजिक मैं सुना नहीं सकता कॉपीराइट होने की वजह से, थोड़ा बहुत मैंने भी डांस वगैरह कर लिया। और यहाँ पे लाइट नाइट लाइफ ऐसा ही कुछ चलता है, तो आप नवंबर के मंथ में आओगे तो ये सब देखने को मिल जाएगा आपको। रॉयल इनफील्ड की तरफ से पूरा इवेंट होता है, अंजुना बीच के पास में ही सब कुछ होता है,